प्यारो मेरे प्यारो, कैसे हो सारो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। और इसी पॉजिटिव नोट पे चालू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन में कुछ इसी तरह से ज़िंदगी स्लो चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ज़िंदगी को थोड़ा सा धक्का दिया जाए। तो इस बारिश के मौसम में नेचर का मज़ा लेने के लिए मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग निकले पिकनिक के लिए कासारा। ऐसे मनमोहक दृश्य देखते देखते स्टेशन से स्टेशन गुजरने लगे और हमारा स्टेशन कब आ गया हमको पता ही नहीं चला। स्टेशन से उतरते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में दिखी एक नदी, और जैसे ही हम नदी को देखते देखते आगे चल ही रहे थे, इतने में हमारे कुछ दोस्त हमको कार से पिकअप करने के लिए आ पहुँचे। वहाँ से हम आ पहुँचे हमारे पहले डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम था अशोका वाटरफॉल। अशोका वाटरफॉल के आसपास का नज़ारा काफ़ी लुभावना था, मगर ये खुशी कुछ देर के लिए ही थी, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद हमको ये पता चल गया कि अशोका वाटरफॉल लॉकडाउन में टूरिस्ट के लिए बंद है। सो सैड। तो हमने सोचा चलिए अशोका वाटरफॉल के दूर से ही दर्शन कर लेते, तो आप भी कर लीजिए। वहाँ से हमारा दूसरा डेस्टिनेशन था सूर्यमार्ग। अभी मैं जिस जगह पर आया हूँ उस जगह का नाम है सूर्यमार्ग। ये कासारा स्टेशन से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसे यहाँ आके सनसेट देख सकते हो, और अगर यहाँ पर अगर बारिश हुई तो पूरा मौसम आपको इतना खूबसूरत दिखता है कि आप देखते रह जाओगे। तो मैं कुछ इसके शॉट्स दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए। आँखों को और मन को शांति देने वाली जगह। यहाँ पर आप आपके सोशल मीडिया के लिए फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, और ये पूरा व्यू देखने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे 3 से 4 टावर बनाए हुए हैं। आप यहाँ आने के बाद इस टावर पे जाइए और वहाँ से पूरा व्यू देखिए। सूर्यमाल घूमने के बाद हम लोग निकले हमारे अगले मंजिल की ओर। अब हम आए हैं इस छोटे से खूबसूरत तालाब में। आइए मैं कुछ झलकियाँ इसके आपको दिखा देता हूँ। कार से आगे जाते हुए हमें रास्ते में ये खूबसूरत नज़ारा दिखा, और हम सब ने सोचा कि यहीं पर रुककर कुछ देर रेस्ट करते हैं। यहाँ पर उतरने के बाद हम लोगों ने वेफर्स खाए, कोल्ड ड्रिंक्स पिया, और पानी में खूब सारे पत्थर भी मारे, और कुछ देर रुककर आगे की डेस्टिनेशन के लिए चल पड़े। आगे का सफ़र तय करते हुए हमें ये जगह दिखी और हमसे रहा ही नहीं गया। हम सारे के सारे दोस्त पानी में उतर गए पानी का मज़ा लेने के लिए और पानी में एंजॉय करने के लिए। है ना बहुत खूबसूरत नेचर, ऐसा नेचर कि जिससे प्यार हो जाएगा। और इसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है नीलमाती डैम। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं
वो है नीलमाती डैम का पानी। नीलमाती डैम जाने का रास्ता जंगल से होते हुए गुजरता है और थोड़ी देर जंगल का रास्ता काटने के बाद हमको सामने नज़र आया नीलमाती डैम। और फिर वापस एक बार हम लोगों ने की पानी में ग्रैंड मस्ती। तो दोस्तों, आपको मेरी वनडे पिकनिक की कहानी कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।